हमीरपुर यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन, सर जिला अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में युवा विकास समिति का 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। एंकर उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में अस्पताल के सामने युवा विकास समिति ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। युवा विकास समिति जिला अध्यक्ष कंचन मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दवाएं व जांचों के लिए बाहर भटकना पड़ता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अस्पताल में होने के बाद भी मरीजों को बाहर की दवाएं व जांचें लिखी जाती है। हम लोग युवा विकास समिति टीम का, मैं लीगल एडवाइजर विकास श्रीवास्तव मोनूलाला, आज हम लोग सदर अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हम लोगों को सदर अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए हॉस्पिटल खुला हुआ है, इन गरीबों के लिए और तमाम लोगों के लिए, तो वहाँ जो अंदर पर्चा दवाई जो लिखी जाती है वो बाहर के लिए लिखी जाती है। तो हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि जो भी दवा हो सदर अस्पताल के अंदर ही हमें उपलब्ध कराई जाए, यही मांग थी। और जो अंदर नर्स लोग हैं, वार्ड बॉय हैं या जो भी कर्मचारी वहाँ हैं, वो आईडी का प्रयोग करें, क्योंकि बिना आईडी के पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर हैं क्या हैं, कि कौन दलाल है। और इस माध्यम से जो दलालों के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, इससे कोई ना कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, जिसका जिम्मेदारी गरीब को उठानी पड़ती है। जबकि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है, सीएमओ है यहाँ के, इन्होंने कान में अपने रुई डाल रखी है, इनको कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है। इन्हीं कुछ छह मांगे युवा विकास समिति हैं, जिन्हें पूरा कराने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर अनिश्चितकालीन धरने पर हमारी मांगे लिखित रूप पर नहीं मानी गई, तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठने का प्रयास करेंगे और सफलता के साथ ये प्रयास जारी रखेंगे। क्या नाम आपका? विकास श्रीवास्तव। जो भी स्टाफ है, उन स्टाफों की वजह से ये नहीं पता चलता कि ये दलाल हैं, कि स्टाफ हैं, और इनके लिए जो है इनकी आईडी कार्ड जैसे सुनिश्चित की जाए, जिससे इनकी पहचान की जा सके कि ये अस्पताल के स्टाफ के लोग हैं। ऐसी प्रमुख समस्याओं को लेकर के आज हम धरने पर बैठे हैं। आज हमारा प्रथम दिन है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। हम इसके लिए भूख हड़ताल तक भी करने के लिए बैठे हैं।